हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री रामानुजन कोचिंग में। मैं रीचा, मैं आज आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो जो आज का नया टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। लेकिन इसको बताने से पहले मैं इसके जो पहले मैं जो बता चुकी हूँ उसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल की इंट्रोडक्शन दी थी, फिर इसके टाइप्स के बारे में बताया था, सेल के टाइप्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में बताया कि ये टू टाइप्स के होते हैं, इसको डिवाइड किए थे, प्रोकैरियोटिक, एक था प्रोकैरियोटिक और एक था यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक को हम जो है डिवाइड किए थे टू टाइप्स में, एक था एनिमल सेल और एक था प्लांट सेल। इन दोनों में भी मैंने डिफरेंस बताया था। फिर मैं एक और डिफरेंस बताई थी सेल के नंबर के बेसिस के अकॉर्डिंग, वो था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर था। सेल के बेसिस के अकॉर्डिंग जो बताए थे वो था यूनिसेलुलर और एक था मल्टी सेलुलर। तो प्रीवियस वीडियो में मैं जो है इन सब टॉपिक के बारे में बता दी हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये जो रिलेटेड है ये प्रोकैरियोट से रिलेटेड है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो हम अगर सीरीज को लेके चले तो सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आता है उसके बाद। तो इसीलिए मेरा जो पहला टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हम जो है बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, इसका शेप साइज कैसा होता है, ये सब के बारे में बताएंगे। इसकी पूरी डिटेल, बैक्टीरिया का पूरा डिटेल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना शुरू करेंगे बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका शेप कैसा होता है, ये सब के बारे में। फिर आएगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, फिर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में, एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम कुछ लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के बारे में हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद कुछ लिस्ट रहेगी बैक्टीरिया की हार्मफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, हम अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होती है। ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसको हम यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए हम बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए बैक्टीरिया को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बैक्टीरिया जो है ये सभी जगह ये पाया जाता है, एवरीवेयर, सॉइल में, वाटर में, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं। हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर इसके हम रेस्पिरेशन को लेके चले तो कुछ बैक्टीरिया एरोबिक भी होती हैं और कुछ बैक्टीरिया एनएरोबिक भी होती हैं। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करती है, और एनएरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकती हैं बैक्टीरिया। और भी
इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और बैक्टीरिया की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है जिनको हम बोलते हैं मोटाइल, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मोटाइल जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, उनको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो अगर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, प्रोकैरियोटिक में ही मैंने बहुत कुछ जो है बता दिया था। ये जो आउटर लेयर है ये कैप्सूल होती है, और ये अंदर की जो लेयर, अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की जो लेयर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर की जो लेयर होती है वहां पे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही वर्क करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बनाना, वैसे ही इसका भी काम होता है। और बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम पाया जाता है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। बैक्टीरिया के अंदर इसकी खास बात बैक्टीरिया में होता है कि इसके अंदर दो क्रोमोसोम, दो न्यूक्लिक मटेरियल पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल। एक तो होता है डीएनए, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम नहीं, सर्कुलर डीएनए, सॉरी यहाँ हम लिख रहे हैं सर्कुलर डीएनए, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। प्लाज्मिड और बैक्टीरिया के अंदर जो है ये जो लिक्विड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये है राइबोसोम। बैक्टीरिया में जैसे मैं हम बताए हैं कि ये मोटाइल भी होते हैं, मोटाइल होते हैं फ्लैजिला के प्रेजेंस की वजह से, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है फ्लैजिला। और इसके चारों तरफ पिलाई पाई जाती है जो कि कॉन्जुगेशन, रिप्रोडक्शन के टाइम पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो ये पिलाई जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ये पिलाई ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है, हम हर एक एक टॉपिक, हर एक एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, जैसे सेल वॉल कैसे बनता है, उसमें क्या पाया जाता है, कैप्सूल, डीएनए, प्लास्टिड का क्या वर्क है, मीजोसोम का क्या काम है, राइबोसोम कैसा पाया जाता है, फ्लैजिला, हर एक एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, हर एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में। और बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें इसकी डिस्कवरी
ल्यूवेन हॉक ने की थी वो भी दांतों के खुरचन से की थी। उन्होंने मतलब दांतों के खुरचन को अपने जो माइक्रोस्कोप बनाए थे उसमें रखे तो उनको कुछ छोटे छोटे जो है दिखे थे ऑर्गेनिज्म दिखे, तो उन्होंने उसका नाम एनिमल क्यूल रखा। और फिर बाद में लॉरेन बर्ग ने इनका नाम जो है बैक्टीरिया रख दिया था। तो आज के लिए ये बस छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है, अभी इसके बारे में हम आगे और भी जो है लार्ज वे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।